वीवो V9 और ओप्पो F7 स्मार्टफोन को भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया था। आईफोन 10 जैसे नॉच के कारण इन दोनों हैंडसेट ने जमकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। दोनों का साइज एक जैसा है। ये नॉच के साथ आने वाले शुरुआती एंड्रॉइड स्मार्टफोन हैं। इनकी मार्केटिंग कंपनी कैमरा क्वालिटी पर कर रही है, लेकिन दोनों फोन के बीच समानताएं यहीं तक सीमित है। इनकी कीमतों में 1000 रुपए का फर्क है। ऐसे में आपके मन में भी यही सवाल होगा कि किस फोन को खरीदा जाए। हमने दोनों ही स्मार्टफोन के साथ लंबा वक्त बिताया है और इस नतीजे तक पहुंचे हैं। आगे से दिखने में ओप्पो F7 और वीवो V9 एक जैसे लगते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन प्लास्टिक के बने हैं, लेकिन वीवो V9 हाथों में ज्यादा अच्छा एहसास देता है। ऐसा घुमावदार किनारों और कम वजन के कारण है। दोनों ही फोन की स्क्रीन पर बेहद ही पतले बॉर्डर हैं और टॉप पर नॉच है। नॉच में सेल्फी कैमरा, ईयरपीस, ग्रिल और कुछ सेंसर को जगह मिली है। ओप्पो F7 में नोटिफिकेशन LED नहीं है, जबकि वीवो V9 में है। पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन भी लगभग एक जैसी है। वीवो V9 डुअल रियर कैमरे के साथ आता है, जबकि ओप्पो F7 में सिर्फ एक कैमरा है। दोनों ही स्मार्टफोन में अलग अलग हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ है। वीवो V9 में Qualcomm Snapdragon 626 प्रोसेसर है, जबकि ओप्पो F7 में MediaTek Helio P60 चिपसेट दिया गया है। वीवो का हैंडसेट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। वहीं ओप्पो के फोन के दो वेरिएंट हैं। एक 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला है, वहीं दूसरे में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है। दोनों ही स्मार्टफोन में 256GB तक के माइक्रो SD कार्ड के लिए सपोर्ट मौजूद है। स्क्रीन साइज में भी बहुत फर्क नहीं है। वीवो V9 में 6.3 इंच का पैनल है और ओप्पो F7 में 6.23 इंच का। दोनों ही डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन वाले हैं और इनका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। हमने पाया कि ओप्पो F7 की स्क्रीन ज्यादा न्यूट्रल है। बैटरी क्षमता में थोड़ा अंतर है। वीवो V9 में 3260 mAh की बैटरी दी गई है और ओप्पो F7 में 3400 mAh की बैटरी है। अलग हार्डवेयर के कारण दोनों फोन को इस्तेमाल करने का अनुभव अलग था। वैसे तो ये फोन स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देते हैं, ऐप भी तेजी से लॉन्च होते हैं, लेकिन बेंचमार्क स्कोर में फर्क है। हमने पाया कि हर टेस्ट में ओप्पो F7 ने वीवो V9 की तुलना में ज्यादा बेहतर नतीजे दिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर आधारित कस्टम UI के साथ आते हैं। वीवो V9 में कंपनी का फन टच OS है और F7 में कलर OS। स्टॉक एंड्रॉइड की तुलना में दोनों ही UI बेहद ही अलग हैं। आपको कई नई चीजें सीखनी होंगी। वीवो का UI ज्यादा मॉडर्न लगता है, वहीं ओप्पो का UI थोड़ा पुराना लगता है। दोनों ही फोन में 19:9 स्क्रीन है, लेकिन इनमें ऐप स्केलिंग अलग अलग तरह से होती है। वीवो एप्स को 18:9 या 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में चलाता है, इस वजह से नॉच के आसपास की जगह का इस्तेमाल नहीं होता है। ओप्पो F7 में सक्षम ऐप फुल स्क्रीन मोड में चलते हैं और यूजर के पास अन्य ऐप को भी फुल स्क्रीन मोड में चलाने का विकल्प है। दोनों ही फोन आपको एस्पेक्ट रेशियो बदलने की सुविधा देते हैं, ताकि नॉच को कंटेंट ब्लॉक करने से रोका जा सके। वीवो V9 और ओप्पो F7 फेस रिकॉग्निशन के साथ आते हैं। इसकी मदद से फोन के साथ चुनिंदा ऐप को भी अनलॉक किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान हमने पाया कि दोनों ही फोन तेजी से अनलॉक होते हैं। हालांकि ओप्पो F7 आंखों को स्कैन नहीं करता है और वीवो V9 करता है, जिस वजह से यह ज्यादा सिक्योर है। बैटरी लाइफ के मामले में ओप्पो F7 वीवो V9 से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में F7 की बैटरी 17 घंटे 13 मिनट तक चली, वहीं वीवो V9 ने मात्र 8 घंटे 49 मिनट में दम तोड़ दिया। हमने यह भी पाया कि ओप्पो F7 ने आम इस्तेमाल में भी ज्यादा साथ दिया। यह तो साफ है कि वीवो और ओप्पो ने कैमरे के लिए अलग रणनीति बनाई है। वीवो V9 डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का। वहीं ओप्पो F7 में 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। वीवो V9 में 5 मेगापिक्सल का सेंसर पोर्ट्रेट मोड में डेप्थ आंकने का काम करता है। दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा ऐप कई फीचर के साथ आते हैं। इनमें मैनुअल मोड भी है, यानी आपको और कंट्रोल मिलेगा। वीवो और ओप्पो ने ब्यूटिफिकेशन मोड दिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके उम्र, लिंग और स्किन टोन की पहचान करता है। ये फोन AR स्टिकर्स के साथ भी आते हैं, यानी तस्वीरें लेते वक्त थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी की जा सकती है। ओप्पो F7 से लिए गए शॉट वाइब्रेंट कलर वाले थे, इसकी तुलना में वीवो V9 का आउटपुट थोड़ा डल था। दोनों ही फोन में ऑटो HDR मोड अपने आप काम करने लगते हैं, लेकिन F7 वाले की परफॉर्मेंस बेहतर है। हमने पाया कि फ्रेम में लाइट व डार्क एरिया में वीवो V9 सटीक एक्सपोजर हासिल करने में चूक गया, जिस वजह से डिटेल कम हो गए। वहीं ओप्पो F7 की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी। ये फोन तेजी से फोकस लॉक करते हैं और हमें मैक्रो शॉट में कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं पोर्ट्रेट शॉट में सेकेंडरी डेप्थ सेंसर के कारण वीवो V9 का आउटपुट बेहतर रहता है। वीवो ने यूजर को लोअर अपर्चर सिम्युलेट करने का विकल्प दिया है, जिससे बेहतर डेप्थ इफेक्ट मिलता है। ओप्पो F7 ने f/1.8 अपर्चर का भी पूरा फायदा उठाया है। कम रोशनी में फोटोग्राफी में बहुत बड़ा अंतर है। वीवो V9 को कम रोशनी में कलर रिप्रोड्यूस करने और डिटेल कैप्चर करने में दिक्कत होती है, जबकि F7 की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है।
ओप्पो F7 में आप सर्वाधिक 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, वहीं वीवो V9 में 4K वीडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता है। वीडियो के लिए हमने पाया कि वीवो V9 ज्यादा सटीक कलर प्रोड्यूस करता है, जबकि ओप्पो F7 के वीडियो ज्यादा ब्राइट होते हैं। आपको दोनों ही फोन के लिए हाथों को स्थिर रखना होगा, क्योंकि इनमें स्टेबलाइजेशन नहीं है। वीवो V9 में 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि ओप्पो F7 में 25 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। दोनों ही फोन से अच्छी सेल्फी लेना संभव है। वैसे ओप्पो F7 ने वीवो V9 की तुलना में ज्यादा विविड शॉट लिए। अब तक आप दोनों ही स्मार्टफोन की कमियों और खासियतों से रूबरू हो गए होंगे। वीवो V9 का डिजाइन बेहतर है, UI मॉडर्न लगता है और फेस अनलॉक इस्तेमाल करने की स्थिति में भी यह ज्यादा सिक्योर है। हमने यह भी पाया कि वीवो V9 में पोर्ट्रेट मोड बेहतर आते हैं, जो सेकेंडरी डेप्थ सेंसर के कारण संभव होता है, और वीडियो में भी कलर रिप्रोडक्शन ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ ओप्पो F7 में ज्यादा तेज प्रोसेसर और बेहतर बैटरी लाइफ मिलती है। कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में भी यह वीवो V9 से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। मजेदार बात यह भी है कि ओप्पो F7 की कीमत वीवो V9 से 1000 रुपए कम है। आप इनमें से किस फोन को चुनेंगे, हमें कमेंट सेक्शन से जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।